17 अगस्त को देश की निगाहें तिहाड़ जेल पर उस शख्स के इंतजार में टिकी रही जिसने इस देश की सत्ता को झकझोर कर रख दिया। वो सड़क से गिरफ्तार हुआ, देश का हर खास आम सड़क पर उतरा, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, उसको तिहाड़ जेल भेजा गया, लेकिन उसको मुश्किल था रोकना, उसको मुश्किल था मनाना, क्योंकि ये है अन्ना। तिहाड़ जेल के बाहर उमड़ी ये भीड़ गवाह है कि अब देश की जनता भ्रष्टाचार और उसके खिलाफ उठने वाली आवाज के समर्थन में अब कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तिहाड़ जेल से ही अन्ना का अनशन जारी रहा। अन्ना ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो बिना शर्त अगर अनशन की इजाजत मिलती है तभी तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। दोपहर करीब 1 बजे से अन्ना की टीम के नुमाइंदे स्वामी अग्निवेश, किरण बेदी, प्रशांत भूषण और मेधा पाटकर अन्ना से मिलने तिहाड़ जेल पहुंचे। कई घंटों तक अन्ना और उनकी टीम की दिल्ली पुलिस के अफसरों के साथ बैठक चलती रही। कभी अनशन की जगह को लेकर सहमति बनती तो कभी समय पर विवाद पैदा हो जाता। अन्ना 1 महीने से कम वक्त के लिए राजी नहीं थे। इस बीच अन्ना से मिलने पहुंचे श्री श्री रविशंकर। अन्ना का हालचाल पूछा गया और करीब 1 घंटे बाद श्री श्री रविशंकर बाहर आए और फिर समर्थन में कूदे बाबा रामदेव। अन्ना हजारे साहब जो अनशन कर रहे हैं वह लोकतांत्रिक है, वह संवैधानिक है और उसका असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार दमन कर रही है वह पूरी तरह से अमानवीय है। कुछ देर बाद प्रशांत भूषण और मनीष सिसोदिया ने अंदर चल रही बैठक का अपडेट जनता को दिया। अन्ना अपनी शर्तों पर अडिग थे। जनता से इंडिया गेट पर जुड़ने की अपील की गई। आज 4 बजे इंडिया गेट में सबको आमंत्रित किया गया है। अन्ना की इस अपील के बाद इंडिया गेट पर जन सैलाब उमड़ा और देश को भ्रष्टाचार से आजादी दिलाने के लिए एक नई इबारत रची गई। ये देश की आंधी है। त्रेता युग में भगवान राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलयुग में अन्ना हजारे अवतार लेके आए हैं। इस समय अगर भ्रष्टाचार से नहीं निपटा तो कभी नहीं निपट पाएंगे। संघर्ष करते रहेंगे और ऐसे ही अन्ना का साथ देते रहेंगे। कुछ ही देर में अन्ना और दिल्ली पुलिस के बीच समझौता हुआ। दिल्ली पुलिस के तेवर अन्ना की हुंकार के सामने नरम पड़े और अनशन की जगह रामलीला मैदान तय हुई, लेकिन अनशन की समय सीमा पर गतिरोध बरकरार रहा। राहुल शर्मा, न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो, दिल्ली।